नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली सक्सेना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी नई अपडेट से हमेशा रूबरू होते रहें। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जनपद रायबरेली की तहसील महाराजगंज के ग्राम निवासगंज भंज रहे बाबन बुजुर्ग बल्ला में 132/33 के वी पारेषण उपकेंद्र का शिलान्यास किया, जिसकी क्षमता 2x40 MVA की है और यह उपकेंद्र 40.15 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्ष में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण से महाराजगंज, हरचंदपुर, गंगागंज, रेवा, चंदापुर, मऊगर्भी और अमेठी के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की 8 से 9 लाख की आबादी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा और यहां के विद्युत लोड की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार की दोपहर बाद निवासगंज पहुंचकर विद्युत उपकेंद्र के निर्माण हेतु भूमि पूजन कर आधारशिला रखी और बटन दबाकर शिलान्यास पट का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आज यहां पर उपकेंद्र का नहीं बल्कि क्षेत्र में निर्बाध विद्युत की आत्मनिर्भरता का शिलान्यास किया है। साथ ही अपने सहयोगी उद्यान कृषि निर्यात मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के जन्मदिन पर इस क्षेत्र की जनता को उपहार के रूप में भेंट करता हूं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मोदी योगी से पहले की सरकारों ने विद्युत की आधारभूत संरचनाओं पर कार्य नहीं किया, जिससे आज विद्युत व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। फिर भी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए योगी सरकार सभी आवश्यक प्रबंध कर रही है। उत्तर प्रदेश जल्द ही संपूर्ण देश में सबसे अच्छी विद्युत व्यवस्था देने वाला प्रदेश बनेगा। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जल्द ही रोस्टर की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। एके शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रथम कार्यकाल में ही भारत बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस देश बनकर अपने पड़ोसी देशों को बिजली दे रहा है। इसी प्रकार प्रदेश की योगी सरकार ने भी 1.25 लाख से अधिक मजरों को रोशन किया और 1.58 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिया। अभी 1.5 वर्ष के भीतर 25 लाख विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, 40 ऐसे बड़े सब स्टेशन बनाए गए हैं और 136 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। कुछ ही समय में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन शीघ्र ही चालू होगा। अनपराडी में 1600 मेगावाट, ओबराडी में 1600 मेगावाट, पनकी में 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि बांसवली में फैलाई गई लाइन, जर्जर तार, पोल, अतिभारित ट्रांसफार्मर को तेजी से बदला जा रहा है। 1000 किलोमीटर जर्जर तार और 1.5 लाख पोल बदले जा चुके हैं। 650 फीडर में सुधार किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में उद्यान कृषि विपणन और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य को सुदूर गांव और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऊर्जा मंत्री के प्रयासों से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। आने वाले समय में सभी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। मोदी योगी की सरकार से देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और देश में इसकी जड़ें मजबूत हो रही है। हमें खुशी है और हमारी पीढ़ी फिर से सुसंस्कृत हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने क्षेत्र के विकास के लिए बचपन से संघर्ष किया। गांव में सड़कें, पगडंडी ना होने से बरसात में साइकिल को कंधे पर और चप्पल हाथ में लेकर चलना पड़ता था। मेरे प्रयासों से क्षेत्र का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है। 1952 से रायबरेली का बेटा के संसद ना पहुंचने से इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि शिलान्यास का पहला ऐसा शिलापट है जिसमें ऊर्जा मंत्री के साथ मेरा भी नाम है। इस पावर हाउस के बन जाने से यहाँ के विद्युत आपूर्ति की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की भी मंशा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के सतत प्रयासों से विद्युत व्यवस्था में बेहतर सुधार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2017 के बाद से सभी की विद्युत जरूरतें पूरी हो रही है। सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य हो रहे हैं। योगी सरकार के पहले ही सरकारों में चुनाव के समय ही शिलान्यास कार्य होता था, जबकि अब निरंतर विकास के कार्य चल रहे हैं। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में सलोन विधायक अशोक कोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी, जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रदर्शी के साथ तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। मैंने जन्म लिया, खेले कूदे पले बड़े और आज रायबरेली वासियों की सेवा करने लायक बन सके ऐसी पावन माटी में अपने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री जिनके पास ऊर्जा और नगर विकास जैसे बड़े बड़े विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा करने का दायित्व है। और ये भी सही है कि हम दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं।
इस पावन धरती पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृपा पूर्वक मेरे गांव में आकर के इस कार्यक्रम में शरीक होकर के और इस गांव को ऊर्जा देने का काम किया है, हम सबको ऊर्जा देने का काम किया है। इसके लिए आदरणीय बड़े भाई के शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ भाई सोमेन तोमर जी का, जिनको मैंने आग्रह किया फोन पे कि भैया मेरे यहाँ कार्यक्रम है, आपको आना है, तो सहर्ष सहमति दी और पधारे और काफी परिश्रम करके पधारे। मैं धन्यवाद देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ जब भी मेरठ में आप मुझे बुलाओगे तो दिनेश सिंह व्यास से बदला देने के लिए आपको मेरठ पहुंचेगा। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय बीरेन तिवारी जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, आदरणीय आरबी सिंह जी लोकसभा के संयोजक हैं, जिला पंचायत के प्रथम नागरिक और इसी हरचंदपुर विकास खंड में जन्मी पली बड़ी श्रीमती रंजना चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बुद्धिलाल पासी जी, विधायक श्री अशोक कोरी जी, सुरेंद्र दाढ़ी भैया, विनोद वाजपेयी जी, आदरणीय पशुपत शंकर वाजपेयी दादा, कौशलेन भैया, विशाल भैया, पुष्पेन जी, आदरणीय मुकेश गुप्ता जी, पप्पू लोहिया जी, आदरणीय ब्रजेश दत्त गौड़ जी, भाई राम जी, शिवेंद्र सिंह जी, कृष्ण जायसवाल जी, भाई शरद जी, जन्मेजय जी, देवेंद्र सिंह जी, टप्पू भैया, जिनका नाम छूटा हो उनसे माफी चाहते हैं। में खेती के लिए दिए गए लगभग रोजगार, मैं कहूँ रोज के लगभग 5,000, महीने के लगभग 5,000 कनेक्शन जो है वो नलकूपों के दिए जा रहे हैं। घरेलू कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, घरेलू कनेक्शन जो है वो महीने के लगभग 1,00,000 कनेक्शन जो है रोज हर महीने दिए जा रहे हैं। अभी आप जो आप में से कई लोग हमको मिलते हैं और कहते हैं कि भाई साहब खंभे बांस बल्ली के खंभे लगे हुए हैं, तारों की हालत जर्जर है। यहाँ भी आपके मन में बहुत चल रहा होगा, ये मंत्री बोले जा रहे हैं हमारे गांव का जो तार है वो तो एकदम जर्जर है, वो तो कब छू जाएगा, कब टपक जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कई लोग इसमें से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बांस बल्ली के खंभे हैं, जो जर्जर तार है, हमारे अधिभारित ट्रांसफार्मर है, हमारे अधिभारित इस तरह के विद्युत केंद्र है, इन सबको दुरुस्त करने का एक बहुत ही बड़ा भगीरथ कार्यक्रम हम लोगों ने हाथ पे लिया है और आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर ही आपको उसका सुखद परिणाम मिलने लगेगा। कई गांवों में आपने देखा भी होगा कि तार बदलने का कार्यक्रम, खंभे बदलने का कार्यक्रम ऑलरेडी चल भी रहा है। और आपकी और जानकारी के लिए मैं बताऊं, पिछले महीने की मैं अगर बात करूं सितंबर महीने की, तो लगभग 1,00,000 खंभे जो है, जो बांस बल्ली वाले और टूटे फूटे जो खंभे हैं, 1,00,000 खंभे हम लोगों ने बदले। ऐसे ही मैं उत्तर प्रदेश को निकालने की दिशा में भाइयों बहनों आगे बढ़ रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह आकर के माननीय दिनेश सिंह जी के आह्वान पर, और हम सब उन्हीं के आह्वान पर यहाँ आए हैं, नहीं तो अभी हमारे बगल में बैठे हुए हमारे माननीय मंत्री जी, जो राज्य मंत्री जी हैं, अभी हमारे कान में कह रहे थे कि भाई साहब ये लखीमपुर खीरी जिले में भी इसमें माननीय महानुभाव लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोगों को मैंने माननीय विधायकगण को, मंत्री जी को, सांसद जी को, सबको, MLC साहबान को, सबको मैंने कल पत्र भी लिखा है कि हमारी ये योजनाएं चल रही है। आपकी जानकारी के लिए मैंने सबको कहा है कि ये योजनाएं चल रही है, कृपया आप अपने क्षेत्र में ध्यान देकर के ये काम करवा लीजिए। आपको भी मैं बता देता हूं कि हमारी एक रिवैम्प योजना है जिसको RDSS योजना भी कहते हैं, वो लगभग 3-4 महीने से चल रही है, जिसमें मैंने बताया कि 1,00,000 खंभे जो है उसमें बदले गए। तारों की मैं अगर बात करूं तो खाली एक महीने में, सितंबर महीने की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 6,000 किलोमीटर के तार और जर्जर तार बदले गए। किलोमीटर, 6,000 संख्या नहीं, किलोमीटर मैं बात कर रहा हूं। अगर फीडर की बात करूं तो लगभग 555 क्या लगभग 650
फीडर बदले गए हैं, जिनको आप कहते हैं कि वोल्टेज डाउन हो रहा है, वोल्टेज अधिभारित हो गया है हमारा फीडर, ये सब कुछ सारे के सारे कार्य जो है वो RDSS योजना में भाइयों बहनों चल रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि वहां के जेई को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, लोकसभा का टिकट तो छोड़ दीजिए, कभी लोक एमपी का प्रतिनिधि बनने लायक भी कांग्रेस के लोगों ने भरोसा नहीं किया। जब गांधी परिवार स्वयं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा तो भी उन्होंने अब अरमा शर्मा एप्टन कैप्टन और कौन को लाके लड़ा दिया, लेकिन रायबरेली के बेटवा को तो भी टिकट नहीं दिया। अपनी शुभकामनाएं अवश्य दिया था, लेकिन आज का जो एक कार्यक्रम है, मैंने ये बात उनको नहीं बताई थी, आज का कार्यक्रम भी मैंने उनको एक जन्मदिन के तोहफे के रूप में ही रखा है। कल ही मैं रखना चाहता था, पावर स्टेशन बंद करके तैयार है, आपके चरणों में सेवा के लिए एकदम लोकार्पित है और बहुत ही जल्दी जैसे इसकी औपचारिकता हो गई है, उन दोनों की भी औपचारिकता होगी और इस प्रकार 1320 मेगावाट नई विद्युत क्षमता जो है आपकी सेवा में उपलब्ध है। एक और पंकी का भी लगभग 2-3 महीने में पंकी का भी इसी तरह का 660 मेगावाट का पावर स्टेशन जो है बंद करके तैयार है, आप उसका ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो भी आपकी सेवा में आ जाएगा। इसके अलावा अभी आपने कुछ सप्ताह पहले सुना होगा, मंत्रिमंडल में मैं जाकर के मंजूरी भी लिया हूं कि हमारे ओबरा में ही ओबरा डी नाम से एक नया पावर प्लांट जो है NTPC के सहयोग से 800 मेगावाट की दो यूनिटें मतलब 1600 मेगावाट के नए पावर हाउस का भी हमारी सरकार ने उसको मंजूरी दे दिया है। इसी प्रकार अंतरा में चूंकि कोयले की खदानें हैं उबरा अंतरा के पास, वहां हम लोग ज्यादा तापीय ऊर्जा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एक अंतरा में भी इसी प्रकार का 800 मेगावाट की दो यूनिट लगा करके उत्तर प्रदेश की आज की जो उत्पादन क्षमता है भाइयों बहनों, वो आने वाले 2-3 साल के अंदर उसको हम डबल करने के रास्ते पे चल पड़े हैं, वो आपकी 2 गुना हो जाएगी। और वो बिजली जब हमारी मांग बढ़ रही है, जब हमारी दिन पर दिन मांग बढ़ती जा रही है, लोगों के घरों में एसी की संख्या बढ़ रही है, लोगों के घरों में कूलर और एसी जो है आज सामान्य बात होती जा रही है, देखिए यहाँ खुले में भी एसी लगाया गया है, तो इस प्रकार जो हमारी डिमांड बढ़ रही है, अभी हमने इसको बंद करवाया भैया हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, बिजली बचाओ, तो ये जब स्थिति बन रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, माननीय योगी जी उद्योगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो हमारी बिजली की मांग एकदम अप्रत्याशित ढंग से बढ़ने वाली है, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है और आज की जितनी उत्पादन क्षमता है लगभग उतनी ही उत्पादन क्षमता आने वाले 2-3 सालों में हम लोग नई खड़ी कर देंगे। और उसी के साथ ये तो मैंने तापीय ऊर्जा की बात किया, अनपरा ओबरा जवाहरपुर पनकी, उसी प्रकार सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 50 साल में जितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता था 2100 मेगावाट के आसपास 2150, उसका 10% हमने सोलर ऊर्जा का उत्पादन मात्र इस 1.5 साल में अपने कार्यकाल में शुरू करवा दिया है। जी की और योगी जी की सरकार में जहां हमारे के शर्मा जी जैसे और बड़े भाई दिनेश प्रताप सिंह जी के जैसे माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, आज ये वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।